हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, मैं हूं अपनीत और स्वागत करता हूं एक बार फिर से एक नया शेक इफेक्ट वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले आप उस वीडियो को पूरा का पूरा वॉच कर लीजिए। तो गाइस अभी अभी जो आपने वीडियो देखा, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि इस वीडियो में आप देखें तो शेक इफेक्ट हो रहा है और कमाल का लग रहा है। और ये वीडियो अभी इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग में चल रहे थे, इसी वीडियो को ट्यूटोरियल है, वीडियो को पूरा देखेगा, बहुत ही यूनिक है और बहुत ही कमाल का है। और इस वीडियो का रिक्वेस्ट बहुत सारे भाई ने मुझे किए हैं कि भाई एक शेक इफेक्ट वाला खतरनाक वीडियो लेके आ जाओ, तो बेस्ट वीडियो लेके आ गए हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले बोलना चाहेंगे कि अगर आप चैनल पर नए आए हो, पहली बार आए हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना कि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलते रहेगा। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और यहाँ पे भी दिया हुआ है, तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर लीजिए अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, इधर कुछ पूछना चाहते हैं। गाइस अब आपको ले चलेंगे सीधे लाइटमोशन एप्लीकेशन में और इस वीडियो को परफेक्टली एडिटिंग करके हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से सीख लेते हैं दोस्तों। तो हेलो गाइस, हम आ गए अपना वॉल का होम स्क्रीन पर और जैसा आपने वीडियो का स्टार्टिंग में वीडियो देखा था, बिल्कुल इसी तरीके का वीडियो हम लोग एडिटिंग करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही यूनिक वीडियो, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है टेक्स्ट मतलब सॉन्ग प्रीसेट विद बिग बुक मार्क लिखा हुआ है, इसी को आपको क्लिक करना है, यहाँ से ओपन पे क्लिक करना होगा, ठीक है। और मेक श्योर आपका मोबाइल डेटा ऑन होना चाहिए, तभी ये वर्क करेगा। तो ये डायरेक्टली यहाँ पे अलाउ का एक ऑप्शन मिल जाएगा और अलाउ करेंगे तो ये डायरेक्टली से आपका लाइटमोशन एप्लीकेशन में ओपन होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं लिख दिया यहाँ पर इम्पोर्ट करने के लिए, सिंपल सा इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना होगा, ठीक है। जैसे आप इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट कर लेने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन होके आ जाते हैं, जो पूरा का पूरा प्रॉपरली क्लियरली दिखने को मिल रहा है, ठीक है। अब आपको देखिए करना क्या है, कितना दूर तक गाना मतलब लिरिक्स को लिखना है वो मैं आपको परफेक्टली पहले बता देता हूँ, ठीक है। तो आपका जो गाना है आपको लिखना है 12.15 सेकेंड तक, ठीक है। तो अब चलिए गाना को लिखते हैं। उससे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर सेटिंग वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। सेटिंग वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेने के बाद यहाँ से देख सकते हैं एक ब्लैक स्क्रीन ब्लैक आपको मिल रहा होगा, बैकग्राउंड में ब्लैक मिल रहा होगा, इसको यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको वाइट कर देंगे, ठीक है। वाइट करके एक बार स्क्रीन पे टैप कर दीजिएगा, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पे जो वर्ड है वो सबसे पहला वर्ड है कि हो जाए जहाँ तू जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर करना क्या है, प्लस करना है, टेक्स्ट पर चले जाना है और यहाँ पर लिखना है हो जाए। पहला वर्ड मतलब पहला लिरिक्स में यही रहेगा कि हो जाए। तो ध्यान से देखिएगा जैसे मैं कर रहा हूँ परफेक्टली, इसी तरीके से आप करेंगे तब आप समझ पाएंगे, ठीक है। हो जाए हो गया, अब यहाँ से एक स्पेस दे देंगे, ठीक है। अब सबसे पहले आपको अलाइनमेंट वाला ऑप्शन पे एक बार क्लिक करेंगे तो ये बीचों बीच में आ जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे। टेक्स्ट कलर पर क्लिक करके ब्लैक कलर को चूज़ कीजिए, रोबोटो रेगुलर पर क्लिक करेंगे और दोस्तों इस फॉन्ट को ले लेंगे, इसका लिंक आपको आसान से डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और 18 PT पर क्लिक करना है, इस तरीके से करके आपको थोड़ा सा बढ़ा के 36 के करीब में आपको यहाँ पे रख देना। अब आपको देख सकते हैं यहाँ पे 36 कर देना है, यहाँ से ओके कर देना है परफेक्टली, ठीक है। अगर भी इसको और भी जूम करना चाहते हैं तो ये मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे, जूम वाला ऑप्शन पे जाके इसको थोड़ा सा इधर से और भी जूम कर लीजिए, परफेक्ट है, हो गया, देख सकते हैं कुछ इतना बड़ा, ठीक है। अब आपको इस एरो पर क्लिक करना है, जहाँ पर भी ये बीट है नेक्स्ट बीट वहाँ तक रखना है, बाकी पार्ट को यहाँ से कट कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, सबसे पहले आपको इफेक्ट पर जाना है, यहाँ से एड इफेक्ट पर जाना है, यहाँ से कलर एंड लाइट पे जाइए और यहाँ से लॉन्ग शैडो पे जाएंगे, यहाँ से स्टैंडर्ड सेटिंग को क्लिक कर लेंगे, ठीक है। अब लॉन्ग शैडो को लाने के बाद इसको इधर से आपको थोड़ा सा कम कर देना है, छोटा कर देना है, ठीक है। यहाँ से इसको 0.055 रख देनी है, ठीक है। अब यहाँ से इसको बंद करते हैं। अब आपको करना क्या है, फिर से एड इफेक्ट पर क्लिक करेंगे, प्रोड्यूसर पर जाएंगे, स्टाइपल्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ से स्टैंडर्ड सेटिंग को क्लिक कर लेना है, ठीक है। अब स्टाइपल्स को ओपन कर लेने के बाद इधर से सबसे पहले 0.5 कीजिए, विड्थ पे क्लिक करना है, इधर से आपको कम करके 0.15 कर देना है, ठीक है, देख सकते हैं ऐसे। अब नीचे आएंगे, यहाँ पे एक फेस का ऑप्शन मिलता है, फेस वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक प्लस लगा दीजिए, ठीक है। और इसको इधर से दो बार ऊपर से नीचे चला जाए, ऐसा करके दो बार लेके चले जाइए, ठीक है, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, दो बार ये चला गया। अब इसको क्लिक करके होल्ड रखना है और एकदम शुरू में रह कर छोड़ देना है, ठीक है। फिर आपको प्लस करना है, प्लस कर लेने के बाद इसको नीचे से फिर से ऊपर से ऐसे करके लेके जाना है, ठीक है, ऐसे हो गया, परफेक्ट है।
अब इसको क्लिक करके होल्ड रखना है, एकदम राइट में ले जाकर छोड़ देना है, ठीक है ना। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको कलर का जो ऑप्शन मिल रहा है कलर पे क्लिक करेंगे, ये रेड कलर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको डार्क कर देंगे, पूरा का पूरा डार्क कर देंगे, ठीक है। अब नीचे में आएंगे, यहाँ पे एक स्मूथिंग का ऑप्शन मिलेगा, स्मूथिंग को दोस्तों सिंपल सा इसको 45 यहाँ से कर दीजिए स्मूथिंग को, ठीक है, मतलब 0.045 कर देना है परफेक्टली। अब ये देख सकते हैं बहुत ही क्लियरफुल, आसानी से बहुत ही अच्छा इफेक्ट है यहाँ पे आपको, ठीक है। इसको 45 से आपको 45 भी रख सकते हैं, 50 भी रख सकते हैं, तो 50 में रखने से और भी थोड़ा सा क्लियर हो रहा है, तो यहाँ से 50 रख दीजिए बेटर होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम 50 रख देते हैं, परफेक्ट ये काम हो गया। अब यहाँ से इसको भी बंद कर देते हैं। अब आपको ये स्क्रीन पे एक बार टाइप कर लीजिए, फिर से आपको टेक्स्ट पे क्लिक करना है, यहाँ से मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना है, उसके बाद से टेक्स्ट का शुरू में एक प्लस लगाना है, टेक्स्ट का लास्ट में एक प्लस लगाना है, ठीक है, हो गया। अब देख सकते हैं यहाँ पे दोनों लग गया, बीच में भी आपको एक प्लस लगाना होगा, ठीक है, एकदम टेक्स्ट का बीचों बीच में आएंगे, यहाँ पे एक प्लस लगा देंगे, परफेक्ट है। अब टेक्स्ट का शुरू वाले में जो प्लस लगाए इधर से लिखा हुआ है स्वाइप हियर टू मूव लेयर, अब इसको सिंपल सा इधर से में लेके चले जाना है, ठीक है, इसको इधर ले जाकर छुपा देना है लेफ्ट साइड में, फिर लास्ट वाला पे चले जाएंगे, फिर लास्ट वाले को भी इधर ही ले जाकर छुपा देना है, ठीक है, एकदम इधर ही, देख सकते हैं सारा सारा पूरा टेक्स्ट अंदर चला जाए। अब इन दोनों के बीच में कर्व लगाना है, देख सकते हैं ये पहला दोनों के बीच में कर्व लगाएंगे, कर्व पे जाएंगे, इसको इस तरीके से ऊपर कर दीजिए और इसको इस तरीके से ऊपर कर देंगे इतना, ठीक है। अब यहाँ से थ्री डॉट पे क्लिक करके यहाँ से कॉपी कर्व कर लीजिए, अब इन दोनों के बीच में आएंगे, फिर थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से पेस्ट कर्व कर देंगे, ठीक है, और इस एरो पे एक बार क्लिक कर देंगे, परफेक्ट है। अब देख सकते हैं ये पहला टेक्स्ट ऐसे आया और ऐसे करके जाना जा रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें रोटेट नहीं हो रहा है, तो रोटेट करने के लिए इस पर क्लिक करना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाना है, रोटेट वाला ऑप्शन पे जाएंगे, टेक्स्ट का शुरू में रहेंगे, एक प्लस लगा दीजिए और यहाँ से इसको यहाँ से आपको प्लस में 15 करना है, ठीक है, प्लस में 15 डिग्री रख देना है, ठीक है, परफेक्टली देख सकते हैं ऐसे प्लस में 15 डिग्री रखिए तो हो जाए यार 15 डिग्री परफेक्टली, चलिए 14 ही रख देते हैं, ठीक है। अब आपको टेक्स्ट का लास्ट वाला में जाना है, टेक्स्ट का लास्ट में जाके एक प्लस करना है और इसको माइनस में 14 करना है, ठीक है, यहाँ से माइनस में 14 करते हैं, परफेक्टली। अभी आपका पहला टेक्स्ट देख सकते हैं ये हो गया बहुत ही अच्छा तरीका का, ठीक है ना, ये पहला काम आपका कंप्लीट, ठीक है। अब ये हो जाने के बाद आपको दूसरा के लिए यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ से इसको डुप्लीकेट लेयर कर देना है, ठीक है, जो डुप्लीकेट करेंगे यहाँ पे कॉपी लिख देगा, तो इस पर क्लिक कर लेते हैं और टेक्स्ट पे जाके इस टेक्स्ट को यहाँ से इधर से कट कर देना है और यहाँ से कोई भी एक वर्ड लिख दीजिए, ठीक है, तो चलिए मैं एक यहाँ से मान लीजिए जेड लिख देता हूँ, उसके बाद से ये टेक्स्ट फॉन्ट स्टाइल पे जाके इस वेडिंग वाला फॉन्ट को ले लेंगे, ठीक है, जेड में देख सकते हैं इस हर वर्ड में कुछ अलग अलग यहाँ से है कुछ, तो देख सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे वो आप ले लीजिए, यहाँ से ओके कर देते हैं। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके बीच वाला पे रहेंगे और इसको ऊपर में इस तरीके से हल्का सा कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब इसको करना क्या है, इसको और भी थोड़ा सा जूम कर देना इधर से, ठीक है, इधर से आपको थोड़ा सा जूम कर देना है परफेक्टली, ठीक है, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे छोड़ देना है, ठीक है। ये आपका पहला टेक्स्ट जो है पूरा का पूरा कम्प्लीटली बन के रेडी हो गया, ठीक है। दूसरा लिखने के लिए यहीं से इसको कॉपी कीजिए दोनों को, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ से कॉपी कर लिए। अब यहाँ पे जहाँ पे ये वर्ड लास्ट हो रहे हैं यहीं पे आपको आकर पेस्ट करना है, दूसरा जो वर्ड है वर्ड को लिखना है, आप समझ लीजिए बात को, ठीक है। अब इस टेक्स्ट पे क्लिक करना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाना है, ठीक है, और यहाँ पे जो देख रहे हैं ये शुरू में है यहाँ पे, इसको अब इस साइड में राइट साइड में आपको करना है, ठीक है, इधर से इसको राइट साइड में कर देना है परफेक्टली, ठीक है, हो गया। अब इस साइड को इसको भी आपको राइट साइड में कर देना है, ठीक है, देख सकते हैं इस तरीके से हो गया, हो गया परफेक्टली। अब ये पहला हो गया, अब दूसरा वाला को जो है ये वाला, इसको भी आपको सेम ही करना है, यहाँ पे आके यहाँ पे इसको राइट में करना है, देख सकते हैं इधर से राइट में हो गया। अब ये इसको भी आपको राइट में करना है, ठीक है, ठीक है, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हो गया। अब देख सकते हैं ये हो गया, मतलब पहला आपको पहला देख सकते हैं ये लेफ्ट से आएगा लेफ्ट में जाएगा, देख सकते हैं लेफ्ट में जाएगा, दूसरा राइट से आएगा राइट में जाएगा, ठीक है। ऐसे करते करते आपको लेके आनी होगी दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मैं आपको बताया 12.15 सेकंड तक लेके आना है। अब यहाँ से आपको फोटो को ऐड करना है, तो चलिए अपना फोटो को हम ऐड कर लेते हैं, तो उसके लिए प्लस करेंगे और यहाँ से मीडिया वाले ऑप्शन पे जाके अपना गैलरी ओपन हो जाता है,
यहाँ से अपना फोटो को ऐड करेंगे। कैसे एडजस्ट करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब ये मान लीजिए ये एक फ़ोटो है, तो इसी फोटो पे क्लिक करते हैं, फोटो आ गया। अब आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है, फिल कॉम्पोजिशन एरिया सेलेक्ट करनी है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाकर थर्ड वाला ऑप्शन लेके थोड़ा सा जूम कर देना है फोटो को, ठीक है। अभी सैरो पे क्लिक करेंगे तो जहाँ पे भी आपका ये बीट है वहीं पे रुकेगा, बाकी पार्ट को हम लोग को कट करना है, ठीक है। उसके बाद स्क्रीन पे टैप करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर मीडिया पे जाएंगे, फिर दूसरा फोटो ऐड करेंगे, फिर थ्री डॉट पे जाकर फिल कॉम्पोजिशन एरिया क्लिक कर लेंगे, और ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हो रहा है परफेक्टली, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इसको भी इधर से कट कर देना है, फिर नेक्स्ट फोटो ऐड करना है। इसी तरीके से बारी बारी से सारे फ़ोटो को आपको ऐड कर लेना होगा, जैसे मैं बताया आपको, जैसे फ़ोटो ऐड कर रहा हूँ, जैसे एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, ये सारे को हम लोग को इसी तरीके से करना होगा परफेक्टली, ध्यान से देखिए। अब चलिए मैं आप, ठीक है, अब देख सकते हैं ये सारे फ़ोटो को मैं अपना ऐड कर दिया हूँ। अब ये हो जाने के बाद आप देख सकते हैं मैं अपना ज़्यादा फ़ोटो नहीं, कुछ ही फ़ोटो ऐड किया है यहाँ पर। अब देख सकते हैं मैंने कुछ ही फ़ोटो ऐड किया है। अब जो भी फ़ोटो ऐड किया इसके बाद से बारी बारी से हर बीट पे आपको एक एक फ़ोटो को ऐड कर देते करना है। उसके बाद से आपको करना है कि यहीं से आपको बैक करना है, ठीक है। हाँ, देख सकते हैं ये वाला है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे दो फोटो आपको मिल रहा है, सबसे पहला फ़ोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर जाना है, थ्री डॉट पर जाना है, यहाँ से कॉपी इफेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ से बैक कर लेते हैं, ठीक है। अब आपको जो हम लोग वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं ऑलरेडी, उस पर चले आना है, ठीक है। अब दोस्तों देख सकते हैं ये अपना प्रीसेट में मैं आ गया हूँ। प्रीसेट में आने के बाद ये वाला देख सकते हैं। अब इसके बाद से प्रीसेट जो हम लोग फ़ोटो लिए थे उसको सिंपल सा यहाँ पे पहला वाला फ़ोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे जाना है, थ्री डॉट पे जाना है, यहाँ से पेस्ट करना है, ठीक है। ये पहला हो गया, उसके बाद दूसरा छोड़ के फिर तीसरा पे आना है, इफेक्ट पर जाना है, थ्री डॉट पर जाना है, यहाँ से पेस्ट करना है, परफेक्ट है। अब आपको फिर से इस पर आना है, इस पर भी क्लिक करना है, इफेक्ट पर जाना है, थ्री डॉट पर जाना है, पेस्ट करना है, ठीक है। अब इसी तरीके से जितने भी फ़ोटो आप लगाए हैं सभी फ़ोटो को, एक फ़ोटो को लगाना है, दूसरा को छोड़ना है, एक लगाना है, दूसरा को छोड़ना है, ठीक है। अब फिर से हम लोग को बैक करना है, फिर बैक करके फिर से हम लोग अपना प्रीसेट पे जाएंगे, देख सकते हैं ये वाला। अब दूसरा वाला प्रीसेट को फोटो वाला पे क्लिक करना है, इफेक्ट पर जाना है, थ्री डॉट पर जाना है, यहाँ से कॉपी इफेक्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ से फिर से हम लोग बैक कर लेते हैं, फिर हम लोग उसी वीडियो पर चले जाते हैं जो वीडियो हम लोग एडिटिंग कर रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पर आ गए, अब ये पहला फोटो पे हम लोग लगाए हैं, फिर दूसरा फोटो बचा हुआ है, दूसरा फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे जाना है, थ्री डॉट पे जाना है, ऐसे पेस्ट करना है, ठीक है। फिर एक को छोड़ के दूसरा पे जाना है, इफेक्ट पे जाना है, यहाँ से पेस्ट करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे दूसरा को ये वाला छोड़ के इस पर आना है और इफेक्ट पर जाना है, थ्री डॉट पर जाना है, यहाँ से पेस्ट कर देना है, ठीक है। उम्मीद है एकदम यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, आप बहुत ही क्लियरफुल आसानी से समझे होंगे। इसके बाद भी सपोज भी जितने भी फोटो हैं, आप उम्मीद है, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही क्लियरफुल आसानी से सीख गए होंगे, समझ गए होंगे, और ये टेक्स्ट भी आप समझ गए होंगे, तो ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। इस वीडियो को सेव करने के लिए सिंपल सा काम करना होगा आपको, शेयर वाला ऑप्शन पर जाएंगे, वीडियो सेलेक्ट रहेगा, यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे तो वीडियो आपका गैलरी में सेव हो जाएगा दोस्तों।